दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपके लिए लेके आया हूं एक और मॉक टेस्ट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो 36 मतलब पहला क्वेश्चन है, पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे एसबीआई को। किसको? एसबीआई को। और एसबीआई की स्थापना कब हुई? एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को ये इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, याद रखिए। किसके लिए? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्य न्यायिक अंग है, वो कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये है आपका हेग में। किसमें? हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लक्ष्मण झूला कहाँ पर है? तो लक्ष्मण झूला कहाँ पर है? लक्ष्मण झूला है आपका ऋषिकेश में। कहाँ पर? ऋषिकेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है आपका शिलोंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंध है? ठीक है, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो खेलते हैं क्या? बिलियर्ड्स, जो आपने छोटे फोनों में गेम खेला होगा, मिडनाइट पूल के नाम से आता था वो। बॉल्स होती हैं और उन्हें एक स्टिक से मारते हैं, बिलियर्ड्स खेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में आपके हैं 38 यानी कि 38 जिले। कितने? 38 जिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी? दांडी यात्रा की थी वो कब की थी? 1930 में, 1930 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो कौन थी आपकी? आशापूर्णा देवी, इनको मिला था पहला अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, जो साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, स्थित था, वो है रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुख्य प्राणों की संख्या कितनी है? जैसे गरुड़ प्राण होता है ना, इस तरीके से वो कितनी है? 18 प्राण है, ठीक है, 4 वेद और 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? बिंबिसार का वध बहुत इजी क्वेश्चन है, बिंबिसार का वध किया था उसके पुत्र अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। इस इनके वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं, क्योंकि इसमें पिता की हत्या खुद बेटा कर देता था, ठीक है, पुत्र करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माता कौन थी? तो वो कौन थी? माता महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर किसे माना जाता है? तो 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर। कौन है? महावीर स्वामी। कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित था? तो वो थे आपके तुलु वंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा की लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ठीक है, बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में, ठीक है। खानवा का युद्ध याद रखिए, पहला हुआ था पानीपत का युद्ध बाबर का, वो किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? एनफील्ड राइफल का उपयोग में लाना, ठीक है, इनमें चमड़े का उपयोग करते थे, ठीक है, चमड़े की थैलियों का गोलियों को रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक नहीं था? स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन नहीं था? एमके गांधी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना, चोरी चोरा इंसिडेंट जो था वो के बाद
गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी, ठीक है, फ्रंटायर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटायर गांधी भी कहा जाता है, तो वो कौन है आपके? खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात किसके कारण बनते हैं? दिन और रात किसके कारण बनते हैं? दिन और रात बनते हैं पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर घूमती है, अपनी दूरी पर जो चक्कर लगाती है, उसके कारण दिन और रात बनते हैं, अपनी दूरी पर घूमना पृथ्वी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? वो होता है पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को। ठीक है, पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है आपका? वो है आपका गुजरात में। कहाँ गिरे? गुजरात में जाके गिरे। ठीक है, याद रखिए। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसका आंसर क्या है आपका? नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बाकी गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से नहीं है? ठीक है, तो क्या है? भीमाशंकर, केदारनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ। तो इसका आंसर क्या है आपका? अमरनाथ हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीन किसमें आते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटर किस पशु से संबंधित है? ठीक है, कैंटर या कैटल किस से संबंधित होता है? वो होता है मवेशियों से, मवेशी जैसे घोड़ा, बकरी और भेड़, ठीक है, गाय, भैंस, इस तरीके से। तो क्या जाएगा? घोड़ा, जो चारा खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा किस संगीत यंत्र का इस्तेमाल किया गया? अमीर खुसरो में किस संगीत यंत्र का इस्तेमाल किया था? वो क्या करते थे? सितार का, ठीक है, और एक करते थे तबले का। ठीक है, तो सितार तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तबला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील जो ठंड के कारण जमना शुरू होती है वह सबसे पहले कहाँ जमेगी? तो वह सबसे पहले कहाँ जमेगी? ऊपर की सतह में। ठीक है, ऊपर की सतह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। बाकी के सारे ठीक है। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तारापुर, ये तारापुर नहीं, तारापुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, कल्पक्कम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम कब? 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने एक रमन प्रभाव की एक अद्भुत खोज की थी। ठीक है, इस दिन को इसलिए साइंस डे के रूप में हम मनाते हैं। 1930 में, 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थायी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है आपका? अंटार्कटिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत मानव शरीर में वजन के अनुसार पानी होता है? तो वो कितना होता है आपका? 66%। ठीक है, वजन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है रॉक्स का। ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक्स कहते हैं किसको? पेट्रोलॉजी को। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन करेंगे? चट्टानों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद पुर्तगालियों के नियंत्रण में आया? तो वो कौन था? गोवा। ठीक है, ये बाद में आजाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किया था सर आइजैक न्यूटन ने। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला डेंगू टीकाकरण कार्यक्रम किस देश में आरंभ किया गया? ठीक है,
तो ये करंट अफेयर्स इसमें 2016 वाली है, ठीक है, ये प्रिंट करना में हो गया थोड़ा सा। तो ये क्या है, इसका आंसर है आपका फिलीपींस, ठीक है, 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आकार में किस प्रकार का है, ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं फिर भी क्वेश्चन में क्या है, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ईमेल का पूरा नाम क्या है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपसे पूछने लगे ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है, ईमेल आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली अगर आप मेल करते हैं किसी को तो वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं मेल करने के लिए तो उसमें से एक प्लेटफॉर्म आता है आपका जीमेल, ठीक है, गूगल ने जिसे गूगल ने बनाया है, ठीक है, तो जीमेल, तो जीमेल क्या आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राजवंश ने, भारत के किस राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर को बनवाया था, तो किसने बनवाया था, चंदेल ने, चंदेल वंशवासियों ने, ठीक है, चंदेल वंश के राजवंशों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 राष्ट्रों का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश के इस सीमा नामक स्थान पर संपन्न हुआ, तो ये तो आप देख के लगा सकते हैं चीन या जापान होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मलेशिया भी हो सकता है वैसे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहां निर्वासित किया गया था, निर्वासित का मतलब होता देश निकाला, एक्साइल, ठीक है, तो कहां भेजा गया था, रंगून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, टैक्स नहीं लगते थे तीर्थ यात्रा पर, तो कौन थे वो, अकबर महान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शहर राजधानी नहीं है, राजधानी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है, और आपका रियाद भी सऊदी अरब की है, इसमें आंसर है आपका सिडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तकला मकान रेगिस्तान स्थित है, तकला मकान रेगिस्तान आपको याद रखना है, ये कहाँ स्थित है आपका, चीन में, कहाँ पर स्थित है, चीन में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो किस नाम से जानते हैं, माता भागीरथी, ठीक है, राजा भागीरथ लेके आए थे ना, इसलिए भागीरथी नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त समूह में से कौन सा एक रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, ब्लड ले सकता है, सभी से ले सकता है, तो वो कौन हुआ, सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन होता है आपका, ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवन धरती पर कहाँ आया था, तो कहाँ आया था, सबसे पहले आया था जल में, ठीक है, पानी में, कहाँ पर आया था, पानी में आया था सबसे पहले जीवन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। Oh,